चैनल पे क्या कंटेंट है सर? कंटेंट तो भी सर जो मैंने 6-7 साल सीखा है वही चीज सिखाने का, मतलब बेसिकली आप हमारा कॉम्पिटिटर हो। अभी एक जबरदस्त वीडियो शूट हुई है ना, जिसमें अपन नए शुरुआत कर रहे हैं, जो पुरानी चीजें हुई वो हुई। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही स्पेशल आदमी से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं। उनका नाम है महात्मा जी टेक्निकल। उनके पास दो चैनल है, आपको पता ही है, एक तो है बी मेक क्रिएटर और एक है महात्मा जी टेक्निकल, जिसपे 6 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो आपको पता है मेरा चैनल डिलीट हो गया था, तो उस चीज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातें करना था, तो सर ने हमें बुलाया भी था कि आओ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ वीडियो वगैरह बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं सुबह के 10 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं अयोध्या से ट्रेन पकड़ा था और अभी यहाँ पे उतर चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे सबसे पहले जाना होगा चांदनी चौक और वहाँ से मेट्रो पकड़ के फिर गोविंदपुरी जाएंगे। तो आगे क्या होता है जर्नी में वो तो आपको शेयर करूंगा ही, तो चलिए फिर अभी आगे। दोस्तों अभी यहाँ पे हम चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से मेट्रो पकड़ कर जाना है गोविंदपुरी और उसके बाद सर से मिलते हैं, देखते हैं। ट्रेवल तो बहुत कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सीढ़ी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे उतरना है और चढ़ना भी है। चलिए मिलते हैं आगे, वो क्या होता है वो तो अपडेट आपको मिलता ही रहेगा। दोस्तों आज ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा और मेरा ड्रीम डे है, क्योंकि आज मुझे सर से मिलने का मौका प्राप्त हुआ है और मैं यूपी से आया हूँ सर से मिलने। और सर ने मुझे, मतलब मैंने इनसे जब बात किया तो सर ने तुरंत बोला कि हाँ मिलने आ जाओ। आपको पता है मेरा चैनल डिलीट हो गया तो मैं कई सारे यूट्यूबर से हेल्प मांग रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग रिप्लाई तक नहीं करते हैं, लेकिन सर ने तुरंत वहां पे मुझे मेल का रिप्लाई किया और मैंने जो नंबर दिया था तुरंत मुझे कॉल किया और बोला हाँ आ जाओ, हम सपोर्ट करते हैं, हम बात करेंगे बैठकर। और ऐसा यूट्यूबर मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा कि एक ईमेल करो और तुरंत कॉल करेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सर के पास आ गए हैं तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सर जो सपोर्ट करेंगे वो सारा चीज तो आप देखेंगे ही। तो अभी मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार इतने बड़े यूट्यूबर से मिल रहा हूं, तो मैं भी मतलब थोड़ा सा वो होता है सर कि बहुत अच्छा। सबसे पहले जी तो ब्रदर की मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो आपका चैनल डिलीट हुआ है, मुझे बहुत दुख है उस बात का। मुझे देखो यार, दुनिया में अक्सर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे बोलेंगे अरे बेकार कंटेंट डालता था, गंदी चीजें डालता था ये। अरे तो तुम डाल के 1 मिलियन कर लो, है ना। तुम डाल के, अरे भाई साहब गंदा और अच्छे की क्या डेफिनेशन यार, गंदे और अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं है। भारत में हर एक की ऑडियंस है। बिल्कुल, अगर आप 1 मिलियन काम कर रहे हो तो बहुत समय से काम कर रहे हैं, कुछ बग की वजह से आपका चैनल गया होगा। बिल्कुल, मैं 100% श्योर हूँ कि आप मेल पे जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, जो मेल प्रोसीजर है उस पर आप डेली फॉलोअप लेते रहिए। बिल्कुल, देखिए आपका चैनल वापस आएगा, है ना। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर YouTube कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ, आपको पता है एक इवेंट भी हम कर रहे हैं दिल्ली में, और आप जरूर आइएगा उसमें। मैं आपको बताऊँ की ये सब चीज मैं कर ही क्यों रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ YouTube पे आके वीमेक पे वीडियो बनाना, 4 पॉइंट लिख के वीडियो बनाना और सो जाना, दोस्तों के साथ घूमना, चिल करना, मस्ती करना, वो नहीं है। बिल्कुल, मेरा काम YouTube पे भी उतना ही है, उसके बाद ऑफलाइन भी। अगर आप मेरी लिस्ट चेक करोगे, मेरा शेड्यूल चेक करोगे, तो दिन भर मेरा यूट्यूबर ही मीट है। अभी भी आपसे एक राजीव राजा क्रिएटर है यूट्यूब के, जिसने गाया था तुम जैसे चूतियों वाला जो गाना था ना, वो भी आ रहे हैं, तो उनसे मीटिंग है। उसका फाइनेंस क्रिएटर से मीटिंग है, एक और क्रिएटर है उनसे मीटिंग है, वो कॉलेज में, उनका आधा घंटा लेट आऊंगा, मैंने कहा वो आ जाइए। मेरा दिन भर काम ही है कि यूट्यूबर से रहना। और आपका चैनल जब डिलीट होगा तो सबसे ज्यादा मुझे दुख होगा यार, क्योंकि मैं इसी जॉनर का हूँ। लेकिन आप मेरे से जो बन पाएगा मैं वो चीज करूंगा, जो लीगैलिटीज है वो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। बाकी आपने एक नया चैनल भी बनाया है, हाँ, क्या नाम है उसका? ग्रोइंग विद राहुल। ग्रोइंग विद राहुल, राहुल आपका लाइक पूरा नाम क्या है? राहुल मौर्या। राहुल मौर्या जी, अच्छा यूपी से। मेरे मौर्या बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत मौर्या दोस्त हैं, हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ एक मौर्या टोला ही था पूरा, हाँ, है ना। तो अपना मेरे बहुत मित्र हैं मौर्या जी में, बड़े सबसे पहले तो आप लोग बहुत स्वीट होते हैं, ज्यादा झंझटबाजी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि शुरू से ही मैं उनके साथ ही रहा हूँ आसपास से। तो आप यार आराम से करो चैनल पे। चैनल पे क्या कंटेंट है सर? कंटेंट तो भी सर जो मैंने 6-7 साल सीखा है वही चीज सिखाने का, मतलब बेसिकली आप हमारा कॉम्पिटिटर हो। कॉम्पिटिटर नहीं सर, मैं तो आप ही से सीख रहा हूँ सर। आपने इतने सारे स्टूडेंट का लाइफ बनाया एक चैनल से, अभी आप गरीब किसान का जो गांव से है, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनको अभी आप सिखा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है सर। कि एक तरफ तो आप अपना वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट को आप लगातार सिखा रहे हैं एक चैनल पे, दूसरे पे आप उनको भी सिखा रहे हैं जो कुछ टैलेंट के थ्रू कमाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सर हम लोगों के लिए। और उन चीजों से सीखकर हम लोग भी महीने का लाखों रुपए कमा रहे थे सर, बट चैनल अभी डिलीट हो गया। तो कोई बात नहीं, चैनल डिलीट होने से देखो
या यहीं पे इंसान की प्रतिभा दिखते लोग कहते हैं इसके बाद एक चैनल है, एक बार चैनल चल गया तो पैसा आता है, चैनल पैसा नहीं लाता इंसान पैसा लाता है ना। तो देख रहे हैं आप फिर दोबारा से फिर खड़े होंगे। मैंने बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, सबने वो सारे बैरियर्स तोड़े और आप भी वो बैरियर तोड़ो। तो ऑल द बेस्ट मैं आपके लिए ही कहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए, आते ही हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया, बट आफ्टर दैट डेफिनेटली वी विल डिस्कस की और क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि थोड़ा टाइम का एक समय रहता है। और आप आए हैं यूपी अयोध्या, यूपी अयोध्या से आप आए हैं, तो कब आए, आज या कल? सर आज सुबह पहुंचे। आज सुबह पहुंचे, तो ये आपके मित्र लोग हैं उनके साथ आप है ना। ये लोग सर दिल्ली से हैं, तो रहते हैं, तो मैंने कहा कि चलो पूछ लेते हैं कहां कौन। अच्छा, ये यूट्यूब के थ्रू बने पहले से ही थे? नहीं नहीं, ये सर मेरे गाँव के हैं। अच्छा, गाँव के। हाँ, ये दिल्ली में उनका घर वगैरह, ये लोग यहीं रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कि आप सब इनके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़िए। और मेरे जो चैनल महात्मा जी टेक्नो वी मेक क्रिएटर्स है, मैं यही कहूंगा लोगों से कि प्लीज सपोर्ट यार, आप वाकई दिल से बहुत अच्छे इंसान है। मैंने देखा है आपकी वीडियोस में, इंसान दो मिनट में बच जाता है, बाकी तो धंधे का काम है, बिजनेस का काम है। आप इस चैनल को मेहनत करिए, आपके पास एक्सपर्टीज है, सब कुछ है, लोगों को बताइए, शेयर करिए कि जो मिस्टेक्स शायद आपने भी कर दी होंगी अपने यूट्यूब करियर की जर्नी में, वो शुरुआत में ना करें, जिससे आगे चल के उनके चैनल भी डिलीट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, यही हुआ होगा ना सर? कुछ ना कुछ तो हो जाती है मिस्टेक, हमसे भी हुई, आपसे भी हुई है, तो ऐसे मिस्टेक्स ना करें। दोस्तों अभी मैं हूं महात्मा जी टेक्निकल, वो मेरे भाई आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा घबरा रहे, कोई सुनिए। अभी एक जबरदस्त वीडियो शूट हुई है ना, जिसमें अपन नई शुरुआत कर रहे हैं, जो पुरानी चीजें हुई वो हुई, अब बहुत बात है, नजदीक आ जाएंगे थोड़ा सा, मैं कहूंगा। फ्लिकरिंग तो नहीं आ रही ना? ठीक है सर जी, ये सब चलने दीजिएगा वीडियो में, लोगों को मजा आता है। तो ग्रोइंग विद राहुल, अभी उसी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, एक वीमेक क्रिएटर्स में इनके सपोर्ट के लिए यार मैंने वीडियो बनाई है। अभी इनका कंटेंट मैं देख रहा हूँ कि हर निश पे काम कर रहे हैं, फेसबुक टाइटल टैग्स और लाइक क्रिकेट की वीडियोस में अवॉइड करूंगा, मैं चाहूंगा इस वीडियो अवॉइड करें, आगे चल के ना प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको चैनल पे, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा, सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें, मतलब लाइक यूजर को ना पता होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो यार। जी जी, यूजर को ये बात पता होनी चाहिए। देखो अल्टीमेटली जब तक यूजर समझेगा ना, अब यूजर कंफ्यूज जाएगा, मान लो इस वीडियो को देख के, इस वीडियो को देख के थोड़ा सा अवॉइड करो सब वीडियोस, है ना, मैं बता रहा हूँ, तो फिर वही सब चीज करने लगोगे जीवन में जी। थोड़ा सा अवॉइड करना। चलो जी आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर, चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे आपने समय दिया। अरे सर, ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि आप मेरे चैनल पे हैं, तो मेरा सौभाग्य है सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, अरे ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ो। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे महात्मा जी टेक्निकल से मिलकर आ चुके हैं, दोबारा से मेट्रो स्टेशन पर ही आ गए, और वहाँ पर सर ने बहुत कुछ हमको सिखाया, बहुत सारी चीज़ों को बताया, और भाई उनका स्टूडियो देखने लायक था, मतलब कि सभी चीज़ें ऑटोमेटिक थी, बस उन्होंने एक बटन दबाया और उनका वीडियो बनना चालू हो गया, ना कोई कैमरा सेटअप करने की ज़रूरत है, ना कुछ भी करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते मेट्रो स्टेशन पर अभी मैं खड़ा हूँ, और अगर मैं उनके स्टूडियो की प्राइस बताऊँ तो कम से कम भाई 1 से 1.5 करोड़ का स्टूडियो होगा, आप सोच सकते हैं, इतना सारा फीचर था और इतना उनका टीम था, मतलब पूरा तो वीडियो में नहीं बना पाया, क्योंकि आपको पता है कि अभी स्तर का इवेंट वगैरह भी होने वाला है, तो वहाँ पे उसमें भी स्तर बिजी थे, बहुत सारे कॉल आ रहे थे, बहुत सारे लोग मिलने आ रहे थे, बट जो भी मतलब सिखाया सर ने, जो भी बताया, जितना भी समय मिला, बहुत सारी चीज़ों को सर ने सिखाया, और उनका ऑफिस वगैरह भी देखा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बहुत ही मतलब 2 करोड़ आप मान सकते हो, 2 करोड़ का स्टूडियो होगा। तो चलिए अभी दोबारा से चलते हैं ओल्ड दिल्ली, क्योंकि वहाँ से मेरा ट्रेन है, तो अभी यहाँ से मतलब मेट्रो पकड़ेंगे, यहाँ पे इसका क्या नाम है, गोविंदपुरी इसका मेट्रो स्टेशन का नाम है, इसके बाद यहाँ से चलेंगे ओल्ड दिल्ली, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर अयोध्या को निकलेंगे। जी आप देख सकते हैं कि पुरानी दिल्ली स्टेशन पे आ चुके हैं, और हमारा जो टिकट है वो शाम को 6 बजे है, तो अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो हमारा ये दोस्त है, तो इसने बोला कि चलो चांदनी चौक घुमा देते हैं, तो थोड़ा सा अभी चांदनी चौक वगैरह घूमेंगे, और शाम को 6 बजे हमारा ट्रेन है, फिर ट्रेन से अयोध्या वापस जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक वॉच मैंने लिया है, कितने का ये, इसका दाम है 800 रुपया, 800 बोल रहे हैं, बट बोल रहे हैं 700 तक दे देंगे, एप्पल का ये ऐसे है, ये चांदनी चौक में लिया है देखो, और एक एयरपोर्ट भी लिया है, ये वाला 400 रुपये में देख सकते हैं, ये वाला 400 में लिया है। भाई अभी हम लोग दिल्ली स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये हमारे रिंकू भाई हैं,
जिन्होंने दिल्ली में काफी ज्यादा सपोर्ट किया। अब ये जा रहे हैं और हमारा ट्रेन भी 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे लग चुका है, तो अब हम जाएंगे अपना ट्रेन पकड़ेंगे। और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद यार कि अनजान शहर में कोई इतना ज्यादा हेल्प किया, तो भाई को। और ये भाई भी हैं, ये भी यूट्यूबर है भाई, तो धन्यवाद। तो चलते हैं आगे अब यार, ये लोग भाई को विदा करते हैं, फिर आगे मिलते हैं। दोस्तों सभी से विदा लेकर अभी हम पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं जो ट्रेन लगा हुआ है ये पुराने दिल्ली से सीधा अयोध्या जाएगा और इसे यशवंत वाले में हम लोगों का सीट है। तो सर से भी मिलके अच्छा लगा और जो हमारे दोस्त लोग थे मैंने अभी आपको दिखाया उनसे भी मिलके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी उन्होंने हेल्प किया। और ये मेरे दोस्त है जो मेरे साथ आए थे। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बाकी अब कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं ट्रेन यहाँ पे लगा हुआ है। अब थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट करेंगे, मतलब ये जो वीडियो आप देखेंगे इसको इसी ट्रेन में सोच रहे हैं एडिट वगैरह करके अपलोड कर देंगे अगर नेटवर्क रहा तो। और सर से मिलके अच्छा लगा, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यार, अपने लिए भी और आपके लिए भी। ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ नया करने का कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। कमेंट में आप बताइएगा आपको ये ब्लॉग कह लीजिए, वीडियो कह लीजिए या फिर कोलैबोरेशन कह लीजिए कैसा लगा। और इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए, आगे और भी बहुत कुछ करने का कोशिश करेंगे, अपने तरफ से पूरा का पूरा मेहनत करेंगे यार, और कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए ट्रेन लगा हुआ है, बैठते हैं। आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और थक भी काफ़ी ज़्यादा गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।